हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे चौलाई की सब्जी। तो चौलाई की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक चौलाई की गट्ठी और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, उसके पत्ते अलग कर दिए हैं और डंडियां अलग रख दी। और अब हमें इसे अच्छे से साफ धो के और बारीक काट लेना है। मैं इस सब्जी को आलू के साथ बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक आलू को कट कर दिया है और थोड़ा सा प्याज भी कट कर दिया। अब हम करेंगे अपनी कढ़ाई को हीट और उसमें डालेंगे ऑयल। और जब ऑयल हीट हो जाए तो इसमें डालना है हमने तड़का। तड़का आप जो पसंद है आप वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला है जख्या, ये है एक पहाड़ी तड़का। चौलाई की जो सब्जी है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और इसमें हमने अब ऐड कर दी है चौलाई जो हमने कट की थी और इसमें डाले हैं मैंने आलू और प्याज जो मैंने पहले ही काट के रखे हुए थे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने इसमें सबसे पहले डाला है नमक, फिर मैंने इसमें ऐड की है हल्की सी हल्दी और हल्का सा धनिया पाउडर। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, जैसे आपको अच्छी लगती हो। तो मैंने तो यहाँ पे वैसी रेड मिर्च नहीं डाली है, मैंने यहाँ पे सिर्फ कटी हुई हरी मिर्च डाली है। और अब आप इसको अच्छे से मिला लेंगे, मतलब आपको मिलाना इसको बहुत ही अच्छे से है क्योंकि मसाले जो होते हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे ना हो जाए, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसे मिलाना है। और सब्जी बनाते हुए आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आपकी गैस की फ्लेम कम ही होनी चाहिए, मतलब तेज फ्लेम में आपको इस सब्जी को नहीं पकाना है। और पानी आपको इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है क्योंकि हरी सब्जी जो होती है वो पानी थोड़ा छोड़ती भी है। बट अगर आपकी कढ़ाई पे बिल्कुल सब्जी चिपकने लग जाए तो आप हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हो। बस सब्जी को आपने अच्छे से पका लेना है और बीच बीच में आपने चेक ज़रूर करना है कि सब्जी कितनी पकी। तो सब्जी आपकी हो गई है रेडी और आप इसको एंजॉय करें दही के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।